हमारा YouTube चैनल और यहाँ पे देख सकते हैं आज हमारे पास होंडा की दोनों काफ़ी उभार यानी में काफ़ी अच्छी बाइक्स हैं। दोनों 125 cc है, ये होंडा की 125 cc साइन है और यहाँ पे देख सकते हैं अपन होंडा SP साइन है। दोनों 125 cc है और दोनों में देख सकते हैं विदाउट डिस्क ब्रेक वाली है, इसलिए कि दोनों का सिंपल कंपैरिजन होगा। अगर एक ब्रेक वाली यानी एक डिस्क ब्रेक वाली होती, एक सिंपल ब्रेक वाली होती तो फिर अच्छा नहीं। तो अपने पास दोनों बेस मॉडल वाली बाइक है, तो चलिए गाइस इसका हम लोग कंपैरिजन करते हैं कि कौन सा लेना आपको ज़्यादा पसंद है, देखते हैं। तो चलिए गाइस अगर देखा जाए तो दोनों का फ्रंट लुक देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। एक में अपने को ये होंडा साइन में अपने को सिंपल हाइलोजन बल्ब का सेटअप मिलेगा, सिर्फ एक ही सेटअप मिलेगा। और इसमें अपने को लाइटिंग की बात कर रहे हैं, इसमें देख सकते हैं आपको काफ़ी फ्यूचरिस्टिक सी बाइक लग रही है। LED पूरा इंडिकेटर दिया गया है, पास से आपको दिखाते हैं। चूँकि आप पास से एक बार दिखाते हैं, इसमें हाइलोजन सेटअप सिंगल, इसमें कोई वो जो पार्किंग लाइट इसको कहते हैं, इसमें कोई नहीं दिया गया पार्किंग लाइट। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे पार्किंग लाइट इसमें भी शायद दिया नहीं गया, लेकिन यहाँ पे जो LED का सेटअप दिया गया है, दोनों में दो सेटअप दिया गया। एक बार आपको लाइटिंग जला के दिखाते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पे अच्छा, ये डीपर अपर है यानी ये हाई बीम है और ये जो जल रही है लो बीम जल रही है। ये ठीक है, थोड़ा फ्यूचरिस्टिक तो दिया गया है। नंबर प्लेट होल्डर की बात करें तो दोनों का आप देख सकते हैं सेम वहीं पे जगह है, इंटीग्रेटेड है, सिंपल वाइजर कोई अपने को। और यहाँ पे ये देखिए इंडिकेटर जो दिए गए हैं दोनों ही सेम दिए गए हैं, सेम है, लेकिन इसमें थोड़ी आपको एग्रेसिव टाइप का लग रहा है। कान इसके खड़े हैं, इसको साधारण से लग रहे हैं, सिंपल से देख सकते हैं आप दोनों। फ्रंट से ये दिख चुका है पूरा, ऐसा दिख रही है बाइक, अच्छी दोनों लग रही हैं। ये ज़्यादा एडवांस लग रही है, वो ऑब्वियस बात है, ज़्यादा प्राइजिंग की बात फिर बाद में करेंगे। गाइस साइड एंगल से बात करें तो सस्पेंशन, अगर बात करें सस्पेंशन में तो सिंगल टेलीस्कोपिक जिसको कहते हैं सस्पेंशन, इसको बोलते हैं सिंपल सस्पेंशन दोनों में। या टायर प्रोफाइल की बात करें तो दोनों में ही, हाँ दोनों में सेम दिया गया है। इसमें अपने को साइन में 80/118 इंच का अलॉय व्हील दिया गया है और इसमें भी 80/118 दोनों में देख सकते हैं, दोनों में फ्रंट की सेम प्रोफाइल दी गई है। लेकिन इसमें टायर देख सकते हैं आपको ऐसा मिलेगा इसमें, बाकी जबकि ये ज़्यादा वाइडर ये लग रहा है ये वाली SP साइन की, ऐसा पता नहीं क्यों, लेकिन टायर प्रोफाइल तो सेम दोनों की लग रही है। गाइस साइड एंगल में बात करते हैं तो साइड एंगल से आपको किस इस तरह की होंडा साइन लगेगी। और साइड एंगल से देख सकते हैं आपको ये पूरा सिंपल बाइक लग रही है। और यहाँ पे अपने टैंक में कोई वो नहीं दिया गया है आगे से, और यहाँ पे टैंक में एक अलग सी दिए गई है, यहाँ पे एरोडायनेमिक इसको प्लास्टिक का पार्ट है, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं साइड में। ये इसमें ज़्यादा इन्हेंस कर रहे हैं होंडा की बैचिंग। ब्रेकिंग की बात करें तो दोनों ही बेस मॉडल हैं, तो इसमें देख सकते हैं इसमें कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम इसमें दिया, यानी इसमें आगे वाला जो ब्रेक प्रेस करेंगे ना, आई थिंक हाँ आगे वाला अगर ब्रेक प्रेस करेंगे तो पीछे वाला भी लगेगा। इसको ये होंडा की बाइक में ज़्यादा आता है, इसको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम कहते हैं। दोनों में सिंपल ड्रम ब्रेक्स दिए गए हैं, इसमें दोनों में भी अपने को डिस्क ब्रेक वाली वेरिएंट भी आती है, लेकिन अपने पास अवेलेबल नहीं थी। और यहाँ पे ये फ्लैशर लगाया है जिसको बोलते हैं अपने को रिफ्लेक्टर इसको बोलते हैं। और यहाँ पे दोनों में लेग गार्ड सेम दिया गया है, लेग गार्ड देख सकते हैं। ये ज़्यादा बल्कि इसलिए लग रही है बिकॉज इसमें टैंक की पैडिंग जो है यहाँ पे ज़्यादा बढ़ चुका है, फेयरिंग जिसको बोलते हैं। तो गाइस अब इंजन की बात करते हैं तो दोनों में ही SP 125 यानी और यहाँ पे होंडा 125 साइन है, तो दोनों में ही 125 cc का इंजन लगा है। और इसमें आई थिंक 10.65 BHP कुछ PS की पावर, वो आपको दोनों में सेम पावर है, 10.PS की पावर ही है, आपको एग्जैक्ट आपको लिख जाएगा नीचे स्क्रीन पे। और ये एंगल से देख सकते हैं उसका टैंक काफ़ी वो जो बाहर निकला हुआ है, वो जो फेयरिंग जो बोलते हैं वो अलग से ज़्यादा लुक इनहेंस, थोड़ी बल्कि टैंक, पूरा टैंक भी दिखाएंगे आपको साइड से। और दोनों में ही आपको किक स्टार्ट दिया गया, सेल्फ स्टार्ट भी दिया गया। अब चलिए चलते हैं फ्यूल टैंक और मीटर कंसोल की बात करते हैं। सो यहाँ पे फ्यूल टैंक पे ही बात कर, देख सकते हैं आपको टैंक इसका कितना हैवी लग रहा है। इसमें 11.2 लीटर्स है और इसमें साइन में अपने को 10.5 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलता है। दोनों का एवरेज 50-55 के समथिंग, वो अपने हिसाब से आपके ऊपर है, देख सकते हैं टैंक की टैंक का पोजीशनिंग भी इसका बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप चलते हैं हैंडल भी देख सकते हैं आपको,
और यहाँ पे गाइस गियर बता देते हैं, इसमें दोनों ही 5 गियर की बाइक्स हैं, दोनों ही 5 गियर की बाइक्स, लेकिन इसमें आपको 1 गियर आगे और 4 गियर पीछे लगते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। थोड़ा स्पोर्ट्स बाइक जैसी रहती हैं, लेकिन 5 गियर की बाइक है। इसमें भी 5 गियर बाइक है, लेकिन इसमें पूरे पीछे लगते हैं गियर। ये साइड स्टैंड भी लगा है, यानी साइड स्टैंड इंडिकेटर भी है, यानी बिना स्टैंड के आपको गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो यहाँ पे गाइस अब इनके इंस्ट्रूमेंट कंसोल की बात करते हैं, तो अपने को होंडा एसपी साइन में पूरा डिजिटल ऑल डिजिटल मीटर दिया गया है, और हैंडल बार भी देख सकते हैं आपको ब्लैक कलर में, पियानो ब्लैक कलर में मिलेगा, और इसमें सिंपल हैंडल बार दोनों में ही होंडा की बैचिंग। और यहाँ पे देख सकते हैं इसका कंसोल, पूरा बेसिक कंसोल है, पूरा एनालॉग है, कहीं पे डिजिटल नहीं दिया गया है। और सेल्फ स्टार्ट दोनों में सेम दिया गया, सेल्फ स्टार्ट इसमें देख सकते हैं, ये भी अच्छा इसी में भी है इंटीग्रेटेड, यानी सेल्फ ऑन ऑफ इसी से होगा। किल स्विच दिया गया है, इसमें भी किल स्विच दोनों में सेम दिया गया है। और किल स्विच की बात करें तो दोनों ही गाइक का सेम है, इसमें भी देख सकते हैं डी हाई बीम लो बीम और हॉर्न और इंडिकेटर इसमें दिया गया है। और इसमें देख सकते हैं इसमें भी सेम वही चीज़ दिया गया है, लो बीम हाई बीम, और यहाँ पे ये पूरा दोनों में यानी हैंडलिंग वाला सिस्टम पूरा सेम दिया गया है। अब चलिए चलते हैं इंस्ट्रूमेंट कंसोल में। सो गाइस अब इस पे हम चलते हैं की पे, पूरा का इंस्ट्रूमेंट कंसोल यहाँ पे लिखा भी है सेट दो सेट, और इको मोड भी दिया गया है आई थिंक। ये देखिए पूरा कंसोल, ओह माय गॉड अच्छा है। इसमें साइड स्टैंड देखिए लगा है अभी, तो ये दिखा रहा है अब हट गया, और डी पास न्यूट्रल के सिंबल भी दिखा रहा है, अभी हुई नहीं है न्यूट्रल, और अभी बहुत कुछ दिखाता है इसमें, साइड स्टैंड न्यूट्रल बैटरी इंडिकेटर यहाँ पे, यानी सब इसमें। ये देखिए यहाँ पे इंडिकेटर इधर जल रहा है, फ्यूल बार्स पूरा डिजिटल दिया गया है फ्यूल के बार्स, और यहाँ पे मीटर जीरो स्पीडोमीटर टाइम दिखाता है, गियर पोजीशन इंडिकेटर भी बताता है। बताइए इतनी अच्छी बाइक है, 4049 किलोमीटर चल चुकी है, और यहाँ पे सेट से दबाते हैं तो ट्रिप वन दब नहीं रहा है, हाँ इधर दब रहा है, इसमें दिख तो नहीं रहा है कुछ, लेकिन हो गया, ज़्यादा अच्छा है इसका कंसोल। सो यहाँ पे देख सकते हैं अपन, इसमें पूरा सिंपल 140 की स्पीड 8088 किलोमीटर, पूरा सब ओल्ड एज स्कूल जैसा दिख रहा है, इंडिकेटर डिपर डी पास साइन बैचिंग, यहाँ पे फ्यूल, इसमें पूरा एनालॉग कंसोल है, कोई डिजिटल मीटर नहीं दिया गया इसमें, क्या ही बताएं आप। रियर साइड से बात करते हैं तो देख सकते हैं दोनों का टेल सेक्शन भी अलग ही है दोनों का, लाइटिंग एक बार जला के दिखाते हैं। टेल सेक्शन की बात करें तो दोनों में ही आई थिंक इसमें इसमें लग रहा है LED लाइट है, और इसमें बल्ब सिस्टम दिया गया है, इसमें भी कॉस्ट कटिंग है, हर मामले में ज़्यादा अच्छी है, नंबर प्लेट होल्डर पूरा सिस्टम पीछे दिया है, टायर भी ज़्यादा ब्रॉड दिख रहा है इसका, टायर प्रोफाइल भी दिखाते हैं, टायर देख सकते हैं इसमें काफ़ी अच्छा दिख रहा है, इसमें कितना पतला दिख रहा है। और चेन ड्राइव दोनों में ही देख सकते हैं ड्रम ब्रेक सिस्टम है, और इसमें रेड कलर के सस्पेंशन आते हैं, इसमें ब्लैक कलर के सस्पेंशन आते हैं, और साइलेंसर इसमें दोनों, साइलेंसर की बात करें तो हाँ साइलेंसर सेम है दोनों, अब जबकि गाड़ी दोनों ही अपने सेगमेंट में अच्छी हैं, यानी अपने ही खानदान की हैं, अपने यानी होंडा ही कंपनी की हैं, तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इंजन की बात करें तो एक बार आपको ओवरव्यू दिखा देते हैं, ब्रेक इंजन ओपन है, और यहाँ पे गाइड साइड स्टैंड प्लस सारी गार्ड दिया गया है दोनों में ही, पूरा सेम वही पूरा दिखाया जा रहा है, देख सकते हैं जैसा सिस्टम इसमें सारी गार्ड दिया है उसमें भी दिया गया है। टायर प्रोफाइल की बात करें तो इसमें 100 सेक्शन 80 18 इंच का अलॉय व्हील दिया गया है, इसमें लिखा है देख सकते हैं, और उसका देखिए उसमें 80 है, यानी बताइए 20 mm का फर्क दिख रहा है, उसमें 80 mm का टायर है, इसमें 100 mm का टायर, जो कि काफ़ी अच्छा है। सो लास्ट में फिर दिखाते हैं आपको, अब दिखाते हैं गाइस आपको इसका एग्जॉस्ट साउंड, बस इसके बाद व्लॉग फिर एंड करते हैं। वेट इसका दिखाते, इसका शायद आई थिंक 121 किलो है, 123 किलो इसका है, यानी 98 है उसका, 99. इसका 99 और इसका 121 to 123, हाँ तो यानी वेट भी ज़्यादा लग रहा है, बिकॉज देखिए ना यहाँ से आप देखिए इस एंगल से, तो बल्कि ने ज़्यादा इसमें फील हो रहा है, बिकॉज इसका टैंक काफ़ी अच्छा है, इसमें बैठ के फील आता है थोड़ी, जैसे अपाचे बाइक है। अब हम एसपी साइन की एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं। अच्छा एक बात और बता दो, इसमें गाइस ट्यूबलेस टायर भी दिया गया है, अंकित ना तुम्हारे में ट्यूबलेस टायर है,
अच्छा तो दोनों में, हाँ इसमें भी लिखा है दोनों में गाइस ट्यूबलेस टायर दिया गया है, ये भूल गया था। अब एग्जॉस्ट नोट सुनाते हैं एसपी साइन के पहले। कोई खास आवाज नहीं है जबकि रेसिंग बाइक नहीं है। अब इसको बंद करते हैं। आवाज की भी बात करें तो आवाज भी दोनों में सेम है, दोनों का सेम इंजन है, होंडा की बाइक है। देखिए इसका भी दिखाते हैं आपको। तो इंजन काफी साइलेंट है जो कि काफी अच्छा है। इसमें अपने को दोनों गाड़ियों में फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम भी मिलता है। फ्यूल इंजेक्शन के बाद रिजर्व में ये बाइक 1.76 लीटर यानी 1.76 लीटर रिजर्व में बचा के रखती तेल, और इसमें 1.3 लीटर रिजर्व में जब लग जाती है बाइक। और यहाँ पे भी देख सकते हैं थोड़ा, इसमें भी इसमें जब साइड स्टैंड लगता है तो यहाँ पे देखिए सिंबल दिखा रहा है। थोड़ी बहुत फीचर है लेकिन देखिए कोई ये स्पोर्ट्स बाइक नहीं है कि इसमें इतना भर भर के फीचर मिले, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी बाइक्स हैं। और गाइस आप लोग कमेंट में बताएं कि अगर आपको इन दोनों में से लेना होगा तो आप लोग कौन सी लेंगे। अगर देखिए बाकी लुक्स में भी देख सकते हैं अपन, ये ज़्यादा अच्छी लग रही है, हैवी भी दिख रही है। प्राइजिंग की बात करें तो आप लोग के सिटी में कितने की है क्या कैसे है आप लोग नेट में सर्च कर सकते हैं। बाकी मैं अपने रीवा की ऑन रोड प्राइज और यहाँ पे ऐड कर दूंगा। सो यही था गाइस व्लॉग। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, और आप लोग ज़रूर बताएं कि आप दोनों इन दोनों बाइक्स में कौन सी बाइक लेना पसंद करेंगे। और इन दोनों में देख सकते हैं यहाँ पे लाइट ऑलवेज ऑन है, यानी लाइट जलती रहती है। देखिए इसकी भी लाइट जल रही है और इसकी भी लाइट जल रही है। ये गलत है क्योंकि एक दो सेकंड के बाद जलने के बाद बंद होना चाहिए, बिकॉज जैसे मान लो कि कोई बंदा छोड़ गया बाइक गलती से, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये तो बैटरी ख़त्म कर देगी, पूरा चूस लेगी बैटरी। तो ये थोड़ा एक चीज़ कमी लगी मुझे। बाकी इन दोनों की रेस भी थोड़ा ऐड कर देंगे। बाकी अभी टॉप स्पीड की बात करें दोनों ही ये 108 हमने कल भगाया था, एक वीडियो आएगी आपको NS वर्सेस SP साइन। और यहाँ पे भी दोनों ये बाइक इतनी अच्छी हैं पिकअप के मामले में कि NS125 को भी टक्कर देती हैं। अगर पिकअप टॉप स्पीड के मामले में तो मुझे नहीं पता, बिकॉज अभी तक तो ये 107, ये फिर भी 107 में ये बाइक निकल रही थी। बताइए 107 के बाद यानी NS107 में थी ये निकल रही थी, और यहाँ पे 108 हमने इसको भी भगाया है। तो यही था गाइस व्लॉग। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा।